गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए वापस से, और बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं अपनी कुछ मन्नत मांगने के लिए। तो आज हम भी जा रहे हैं मन्नत मांगने के लिए कि काश हमारा भी कुछ अकदार हो जाए, 100, 200, 500 करोड़ रुपये कमा लें। वाओ, तो उसी के लिए जा रहे हैं सबके सब। तो थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम, और ये हमारी पिंकी है, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। जाने क्या पी रही है इतने बड़े गिलास में, पटियाला गिलास, पटियाला पैक ले रही है क्या है? ये पी रही है लस्सी अपनी साइज से भी बड़े गिलास में। और ये गाइस दोनों तैयार हो रहे हैं, बॉबी पहन रहा है जूते, बॉबी सैंडल पहन लेता ना इनके बजाय, सैंडल ज्यादा अच्छे रहेंगे, परेशान हो जाएगा इनमें, मान के ना कहना भी तो नहीं मानता। और गाइस यहाँ हो रहा है बहुत अच्छा मौसम, ऊपर हो रहे हैं बदल, ठंडा एकदम। और ये हमारी बुआ जी तैयार, और ये हमारा छोटा भाई भोला। तो गाइस अब निकलते हैं हम और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में, क्योंकि अब हमारे साथ जाएगा छोटू, फूफा जी और मनमोहन। तो सीधे पहुंचते हैं अब हम छोटू के पास और वहीं मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब आ चुके हैं सब गाड़ी के अंदर, और गाड़ी अब हो रही है रवाना। चले भाई, हमारे कॉलोनी का रास्ता इतना गंदा है। ये गाइस बन रहा है बॉम्बे हॉस्पिटल, एकदम बॉम्बे की तर्ज पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हाईवे पे पहुंच रहे हैं और पीछे दूसरी गाड़ी भी आ रही है, और हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह पे माथा टेकने के लिए। और 200 400 करोड़ रुपए की कुछ मन्नतें हैं जो मांगने जाएंगे, मिल जाएंगी। तो दूसरी गाड़ी गाइस बारिश चालू हो चुकी है बाहर बहुत तेज। पिंकी आज आगे बैठ के बहुत खुश हो रही है, क्योंकि इसको कभी बेचारी को आगे बैठने का मौका नहीं मिलता, पर आज ये जबरदस्ती लड़ झगड़ के आगे बैठी है कि मैं आगे बैठूंगी, और मोना को पीछे बैठा दिया, और देखो कितनी खुश हो रही है ये। गजब बेइज्जती है। ओए कन्ना वाले काटे नी बल्ब वांगू जग दे, पूरियां गल्लां ते तेरे टोए बड़े फब दे। बेले बैक जैसे ही अजमेर रोड पे प्रवेश कर रहे हैं और जाम। गाइस अभी आ गए हम अजमेर रोड हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और बारिश तेज हो रही है बहुत तेज, और पीछे हमारी गाड़ी आ रही है दूसरी, और हम धीरे धीरे चल पा रहे हैं इस बारिश की वजह से। पूनम पीछे बैठे बैठे देखो कितनी बोर हो रही है, इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा पीछे। और इस हाईवे पे अभी मैं 2 दिन पहले जाके आया था, तो जाम की स्थिति मेरे को पहले से पता है कि क्या खतरनाक रहने वाला है। छोटू भी आएगा हमारे पास, आएगा वो आ रहा छोटू, वो आ गया छोटू दादा। धीरे से तू उधर मुड़ आएगा, आजा आजा चमूरा मेरा, आजा आजा। ये आ गया हमारे पास छोटू, और आते ही ये गाड़ी में सब नया नया दिख रहा, रोने लग गया। बाबू लेने गया वाली ये गया छोटू वापस से ले बॉबी के संग स्कैम कर लिया, वाली चिप्स लेने गया वाली। नालायक को हमने लिया था प्यार से, अब देख वहाँ खेल रहा है। ए? क्या हुआ? सब दिन यही करता है सुबह शाम तक, क्या है? अब चलते हैं गाइस आगे। Yeah.
मार्बल हब है, मार्बल ग्रेनाइट और इतनी क्वालिटी का है कि यहाँ पे वर्ल्ड में सारी जगह एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, और यहाँ आपको जहाँ देखोगे वहाँ मार्बल ही मार्बल देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं राजस्थान के स्विट्जरलैंड में, और वहाँ देख के आपको पता चलेगा कि यार राजस्थान में भी स्विट्जरलैंड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, दुनिया भी मतलब में इतनी दूर जाती है, खर्चा करती है। मैं आपको राजस्थान में दिखाने वाला हूँ ये बस। गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस ये आ गए हम स्विट्जरलैंड राजस्थान के, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं इसका। तो यहाँ आओ और देखो, फोटो खिंचाओ, मस्त एंजॉयमेंट। नज़ारा ही कुछ अलग है। ये आ गया हमारा छोटू, स्विट्जरलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के। और यहाँ देखो आपको बिल्कुल फीलिंग वही आएगी। ये सभी आए हैं, फूफा जी बच्चे सब आ गए, बाकी सवारी बिल्कुल फ्री में दिखवा रहे हैं आपको, तो इससे अच्छा और क्या होगा। दुनिया पे मतलब मैं लाखों रुपए खर्च करती है। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फल। ये जा रहे हैं सभी, और ये है गाइस किशनगढ़ में डंपिंग यार्ड, जहाँ मार्बल की कटिंग के बाद जो वेस्ट होता है उसको डाला जाता है। तो ये बिल्कुल वाइट सफ़ेद दूध के जैसा बर्फ़ लग रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो आप कितना मस्त और अच्छा है, एकदम नीला पानी, और यहाँ ये मज़ा ले रहे हैं सब के सब। फोटो शूट चल रहा है, कोई प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है, वो देखो पानी उड़ता चाहे तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो ये देख लो गाइस, आ जाओ फ्री में, ज़्यादा दूर नहीं है, बस किशनगढ़ में आना पड़ेगा, डंपिंग यार्ड। और बिल्कुल नीला पानी आप देख सकते हैं, और ये सारे लोग ले रहे हैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या। तो गाइस अब फुल मस्ती हो गई है, अब हम बढ़ते हैं आगे अजमेर, क्योंकि अभी तो हम किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, और अब हमको पहुंचना है अजमेर दरगाह, तो सीधे मिलते हैं आपको आगे। चलो अब चलते हैं आगे, सब लोग निकल गए हमारे साथ में से, और हम पहुंचते हैं आगे। अच्छा है, बाकी में अच्छी है, आना चाहो देखने तो ज़रूर आओ, अगर जो राजस्थान से वो तो आना ही चाहिए उनको, इससे अच्छी जगह फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई टिकट ना कोई प्राइस, बस 5 बजे से पहले आ जाओ यहाँ, और मार्बल एसोसिएशन के ऑफिस से टोकन लेना होगा, बस टोकन प्राप्त करके सीधे आ जाओ। और गाइड इसमें हेलीपैड भी है, आप अगर हेलीकॉप्टर से भी आना चाहो, आपकी अगर बस की हो तो, मेरी तो नहीं थी, मैं कार से आया हूँ, तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। ये देखो गाइस बंदर का बच्चा,
कैसे चिपका हुआ है एकदम। हाँ छोटू कैसा लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है? चलो भाई बैठो अपनी अपनी गाड़ियों में,